सभी को मेरा नमस्कार। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहा हूं। जब मैं इस चौराहे पर सरदार पटेल कॉलोनी के रोड पर खड़ा रहकर यहां बोल रहा हूं, तब मुझे 1982 के दिन याद आते हैं। इसी नारायणपुरा वार्ड की संघवी हाई स्कूल बूथ के एक बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया। बूथ पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते, वॉल पेंटिंग करते करते, पर्चा बांटते बांटते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहुंचाया है। यहां मेरे साथी जो है, मेरे नेता सारे हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने मेरी प्रशंसा में कुछ न कुछ कहा है। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में से अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल दो तो केवल और केवल शून्य बाकी बचता है और कुछ नहीं बचता है। जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया, जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी देने का प्रयास किया पार्टी को, देश को, ये सभी और इस गांधीनगर क्षेत्र से जहां श्रीमान लाल कृष्ण अडवाणी जी लंबे समय तक सांसद रहे, अटल जी भी इसी क्षेत्र से सांसद रहे, पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर जी जिस क्षेत्र से सांसद रहे, उस क्षेत्र से मेरा सौभाग्य ही है कि आज मुझे इसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही। मित्रों, यही क्षेत्र से मैं 5 बार विधायक रहा। यही क्षेत्र में 25 साल तक चुनावी राजनीति सफलतापूर्वक आप सबके आशीर्वाद से की। आज मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, मगर मैं राज्यसभा के लिए सदस्य तब बना जब लोकसभा के चुनाव नहीं, और मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं। पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ने की अनुमति दी, इसके लिए शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।